स्लगेरा बहुत खूबसूरत 99 कैविंस जो नाकाबले यकीन अच्छा है और कई किस्म की बुराइयों से माला माल है। डॉक्टर ब्लैक ने अपनी साइंस का गलत इस्तेमाल करके स्लग्स को कूल्स में तब्दील करना चाहा। सिर्फ एक स्लिंगर में इसे रोकने की हिम्मत और सलाहियत थी, वो हूँ मैं, एक शानदार प्रॉन्टो। ओह नो, तुम सिर्फ प्रॉन्टो ही नहीं, एक शानदार और बहादुर वॉरियर हो, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा। मैंने यानी प्रॉन्टो ने अकेले शिकस्त दी डॉक्टर ब्लैक को और उसे गोल समेत हमेशा के लिए गायब कर दिया। और मेरी जीत हुई। वापस मैं समझा कि तुम चाहते हो ट्रिक्सी तुम्हें शेन गैंग की असल कहानी सुनाते हुए रिकॉर्ड करे और उसका टाइटल ही होना चाहिए मोलोनाइट प्रॉन्टो की तस्वुरी तारीफ, एक बेहतरीन वॉरियर प्रॉन्टो शेन गैंग की खासियत के साथ। तुम हंस रहे हो, मेरे बहुत से फैंस मुझे यही मशवरा देते हैं। ठीक है, अगर वाकई में तुम्हारे फैंस हैं, उन्हें सच जाने का हक नहीं है क्या? क्या इसमें वाकई का क्या मतलब हुआ? क्या मैं ये झूठ बोल रहा हूँ? ब्लैक और उसके गोल्स यहाँ से चले भी गए? वेल या, लेकिन ब्रो जैसे तुम कह रहे हो वो वैसे नहीं गए। अब इतनी तफसील में जा क्यों रहे हो? बस ये याद रखो, ब्लैक और गोल्स हार चुके। अब ये स्लग चेहरा अमन और सुकून के दौर में दाखिल हो चुका है। वेल, तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। तुम्हें अच्छा लगा? अब ये देखो। गेम ओवर। बांगू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने इस मॉल पर कब्जा कर लिया है। हम मतलब? मुझे नफरत है इस मॉल से। देखो ये कौन है, ईलाई चेन, क्या तुम यहाँ समर ड्रेस लेने आए हो? वेरी फनी, मैं देख रहा हूँ कि तुमने फूड कोर्ट ढूंढ लिया। हाँ, कचरा साथ लेने पर मिलने वाली इजाफी सहूलतों में से ये भी एक है, और जबकि फ्लाफिल खाने से मुझे होती है मतली। लेकिन वो जगह तुम्हारे लिए बेस्ट थी। नो, अभी तो बताया है फ्लाफल से होती है मतली। और हाँ, याद रखना, केविन के स्मॉल में बनाई गई है नई पॉलिसी, चेन गैंग का दाखला ममनू है। वेल, न्यूज अलर्ट, पॉलिसीज कुछ भी नहीं शेन गैंग के आगे। दैट्स फाइन इनफ। मेरी बात सुनो एम्बर, तुम्हारे पास ये सरेंडर करने का आखिरी चांस है। मेरा ख्याल है ये मेरा नहीं तुम्हारा आखिरी चांस है। जैसा कि तुम देख ही रहे हो कि मैंने सिक्योरिटी पर कब्जा कर लिया है। ओह मैन, अगर बॉस एम्बर सिक्योरिटी के साथ ये सब कर सकता है तो हमारे साथ। वैसे तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तुम अपनी जगह छोड़कर क्यों आ गए? वेल, वो इसलिए कि वहाँ रहने से मुझे आती है मतली। हाँ, मैं समझा तुम्हें ये पसंद है। हाँ। क्यों रहे हम कचरे में? ये मॉल से बहुत बेहतर ऑप्शन है और ब्लैक बीच जा चुका है यहाँ से, तो यही वक्त है अपनी टांगे फैलाने का और अपनी बाहर को बढ़ाने का। ऐसी बुरी सोच रखने वाले तुम पहले नहीं हो दोस्त। तुम तो इसकी सोच के बारे में कह रहे हो, मुझे तो इसकी शक्ल भी डरावनी लग रही है। इसका अंजाम भी बाकियों जैसा ही होने वाला है। गॉड, लुगी मी। एक हीरो की तरह अपना फर्ज अदा करने को तैयार है और अपने फैंस की खुशी के लिए एक सेल्फी लेते हुए, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। सेची।
वेट व्हाट या नहीं खिंचवानी है तस्वीर, मैं यहाँ कुछ और करना चाहता हूँ, समझे? हैं? हाँ, मैंने भी वही सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें दूँ अपना एक ऑटोग्राफ। तो इनके पास ये वाले स्लग्स हैं। शायद तुम्हें पता नहीं कि स्क्रैप फोर्स के खतरनाक मेंबर्स के खिलाफ ये काफी ना है। तुम लोगों को अपने नाम चेंज कर लेने चाहिए क्योंकि तुम लोगों ने स्क्रैप हीप छोड़ दिया है। ये ठीक कह रही है। नहीं, ये जरूरी तो नहीं। स्क्रैप फोर्स का मतलब बहुत सी चीजें हो सकती है, जैसे कि हम स्क्रैप इसलिए है कि हम स्क्रैप ही है, ठीक है? या हो सकता है कि तुम अब बनने वाले हो स्क्रैप। हाँ सही कह रही हो, रुको एक मिनट। हाँ हेलो शैतानो, आओ अब मुकाबला करो प्रॉन्टो से जो के हीरो है हर जमाने। खत्म करो। कोई मुझे इससे बचाए। थैंक्स डूड। अरे सच्चा हीरो कभी मायूस नहीं करता किसी को, फ्रेंड्स को तो कभी भी नहीं। ओ बॉय, खेल खत्म हुआ है। ये एक मेगा मॉर्फ है और तुम जानते हो तुम्हारे पास इस जैसी फायर पावर नहीं है। तुम्हें लगता है नहीं है? नहीं है। मैं समझी सिर्फ हम ही हैं जिनके पास मेगा मॉर्फ है। स्क्रैप हीप में रहने की सिर्फ एक यही तो अच्छी बात है, वहाँ से हर चीज के पार्ट्स आसानी मिल जाते हैं और वो ब्लास्टर में जिससे शूट कर सकते हैं मेगा मॉर्फ। एम्बर नो, ये स्लग अभी तैयार नहीं है इसलिए खुद को हैंडल नहीं। इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है और ना ही कभी होगी क्योंकि मेरे पास अब ये है। बर्बी, रोको इसे। क्या बहादुर शख्स था, मसल शानदार। वाह, बेचारा मारा गया। आई डोंट बिलीव इट, पूरी छत तुम पर गिर गई थी। हाँ तुमने ठीक कहा, लेकिन ये छत 8 या 9 टन से ज्यादा भारी नहीं थी, ना ही ज्यादा बड़ी। ओके एम्बर, अब तुम मेरे साथ चलोगे बेक हाउस। मुझे लगा ब्लैक के जाने के बाद हमें ब्रेक मिलेगा, लेकिन ये बैड गाइस तो घूमते हुए एक बार फिर यहाँ आ गए। तुम जानते हो कि थोड़े ही वक्त की बात है कि बाकी लोग भी मेगा मॉर्फ्स पर अपने हाथ साफ करने आ जाएंगे, तो तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्योंकि जब तक डॉक्टर ब्लैक और ना ही घूल्स हैं, हम सब हैंडल कर सकते हैं। Let me guess, क्रिस्टल्स के वो कीड़े वापस आ गए हैं मोल माउंट में। नहीं, गेटवे कैवर्न्स पर अजीबोगरीब लुटेरों ने हमला कर दिया है और वो मॉन्स्टर से फायर कर रहे हैं। गोल्स है वो, तो इसका मतलब ब्लैक वापस आ गया। मालूम नहीं, लेकिन अभी पता चल जाएगा। यहां तो कोई नहीं है, लगता है हर कोई जा चुका है, फिर भी हमें देखना होगा। बिग बॉय, मुझे बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे तुम्हें मुझे देखकर लगता है। मतलब तुम ब्रांटो की तरह महसूस करने लगे हो? जबरदस्त, ये तो बात अच्छा हुआ। वो फैंडैंगोस जमा कर रहे हैं। ये लोग आखिर है कौन? जाहिर है ये लोग मुझसे शिकस्त खाकर हथियार डालने वाले और 4 चांद लगाने वाले ब्रांटो की तारीख को। मेरे ख्याल से यही वो लुटेरे हैं। क्या ये लोग जमीन से आए हैं? नहीं, लेकिन ये जहाँ से भी आए हैं इनके पास घोल्स है। लेकिन कैसे?
ब्लैक ने जिन्हें महीनों पहले बनाया था डॉक ने उन्हें ठीक कर दिया। ब्लैक वापस आ गया है और मजीद गोल्स बना रहा है। वहाँ कोई मलबे के नीचे दबा हुआ है। वो तो स्लिंग्स का बादशाह है। पहुँचने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं। हाँ, ये कह तो ठीक रही है, लेकिन एक रास्ता है जो मुश्किलों में हमेशा काम आता है, वो है प्रोटो। मैं नहीं चाहता कि उसने अकलमंदी का काम किया है या फिर बेवकूफी। हाँ, तुम दोनों ठीक कह रहे हो। ये नहीं करो, मैं को वाटर बॉलू छोड़ दे मुझे। क्या तुम ठीक हो? ऐसा लगता है दिमाग खाली हो गया। ये लोग कौन है? नो आइडिया। अचानक तोड़ फोड़ शुरू कर दिया और हमारे फ्रेंड डेंगोस ले गए वो। कोई और भी है क्या तुम्हारे साथ? नो वे बेबी, मैंने सबको हिफाजत से निकाल लिया मगर उनको रोक नहीं पाया। तुमने अपना काम कर दिया, अब ये प्रांतों का काम है। वाह, शानदार स्टाइल, बहुत ही आला। कौन है? शुक्रिया की जरूरत नहीं। बिल्कुल भी नहीं, शुक्रिया तो तुम्हें बोलना चाहिए, मुझे से चीज। तुम घबराना मत, प्रॉन्टो है तुम्हारी वो इबादत के लिए। you know, मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से इस दफा किसी और को मौका देकर देखना चाहिए, जैसे कि तुम बैंगर। दिखा दो कि मेगामॉर्फ क्या कर सकता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, इनके पास भी मेगामॉर्फ्स हैं। हाँ, और उन्हें इसका इस्तेमाल अच्छे से आता है जैसे बॉस एम्बर को आता था। लगता है अचानक हर किसी के पास मेगामॉर्फ्स आ गए हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा किसी के पास नहीं। देखो, इसके पास एक इन्फर्नस है, मुझे लगता है मैं यहाँ से भागना चाहिए। इन्हें समझने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन इन्हें अंदाजा हो गया कि प्रॉन्टो से टकराने में नुकसान इन्हीं का ही है। हाँ, हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इसका ताल्लुक तुम्हारे साथ है। डॉक, थैंक यू वेरी मच। अब तुम ठीक हो जाओगे। थैंक्स योर बून डॉक। तुम यहीं रुको, हम उनके पीछे जाते हैं। जहाँ से आए थे वहीं गए, ईस्ट। हाँ, लेकिन वहाँ तक जाना तो मतलब ये है कि उनके पीछे जाना इम्पॉसिबल है। 99 कैविन्स का वो गेटवे ईस्ट में कहीं दूर है और वहाँ पहुँचने के लिए कई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और आखिर में है सिंपली द एंड। एक बात और, 99 कैविन्स का एंड दर हकीकत इस दुनिया का दी एंड है। आखिर कोई इस बात पर कैसे यकीन कर सकता है जैसा प्रॉन्टो ने कहा कि नामुमकिन है। अच्छा, तो फिर मैं कुछ नामुमकिन देख रही हूँ। वहाँ एक रास्ता है, वो लोग वहीं से गए होंगे। तवानाई की मिकदार का इतना इस्तेमाल ये एक बेहतरीन शुरुआत है। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि ये काम कोई कर सकता है। हाँ, मैं अपनी सारी दौलत लगा सकता हूँ इस जैसी ताकत के लिए। क्या वो डॉक्टर ब्लैक है? नहीं। हाँ, ये एक अच्छी खबर है, और बुरी खबर ये है कि ये शख्स तो उससे भी ज्यादा खौफनाक है। क्या तुमने कभी ऐसा घोल देखा है बर्फी? लगता है हमें देखना पड़ेगा कि ये क्या कर सकता है। बर्फी, वो तो खोल बन रहा है। रुक जा, बर्फी पहले भी खोल बन चुका है, मगर तब भी हम पर हमला नहीं किया था। हाय लाए, लेकिन अब ये कर रहा है। लेट्स गो गो।
तुम ठीक हो? ये लाजमी तौर पर मॉन्स्टर वर्जन लगता है बूंडॉक का। कौन हो तुम? क्या तुम डॉक्टर ब्लैक के लिए काम करते हो? मैं किसी के लिए काम नहीं करता, लोग मेरे लिए काम करते हैं। ये तो अच्छा नहीं है। क्या ये तुम्हारा स्लिंगर है? तो तुम इस्तेमाल करते हो इनफर्नस, तुम इन कैवर्न्स की हिफाजत करते हो। अगर चाहो तो टेक्निकली कह सकते हो, लेकिन असल में तो ये प्रॉन्ट है। मैं शैन हूँ, जिसका मतलब है कि जब तक मेरा सामना नहीं करोगे तुम 99 कैवर्न्स तक नहीं जा सकते। 99, इतने सारे? दूसरों को खत्म कर दो, मुझे अपना नया स्लिंगर मिल गया है। हम तैयार हैं। हाँ, मिस्टर स्टिंग बीस्ट, हम आज फिर से आमने सामने। हमें कुछ और करना होगा, ये दीवार ज्यादा देर रुकने वाली नहीं। डॉक, आज तुम्हें बहुत काम करना है, समझ गए? ये तो बहुत ही ताकतवर है। ओके डॉक, रेडी? नो डॉक, नो गाइस, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, एक बार तुम मेरे गुलाम बन गए तो ये तुम्हें फॉलो करेंगे। वो सब ठीक है और हम भी ठीक ही रहेंगे, चाहे इसके पास जो कुछ भी हो, लेकिन इसके पास तुम जैसा कुछ नहीं। पर भी मेरे पास भी है एक और इन्फर्नस। मुझे लगता है तुम्हारी नॉलेज कम है। आखिर कौन हो तुम? अच्छा सवाल है, मैं हूँ ईस्टर्न एम्पायर्स और 100 कैवर्न्स का फातह। ईस्ट? मगर ये इलाका ईस्ट नहीं है, ये तो उसका एंड है। The end? This is just the beginning. मेरे लुटेरों ने गेटवे कैवर्न पर हमला किया, जिसका असल मकसद सल्तनत के चैंपियन को ढूंढना था, और तुम हमें मिल गए। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुझे चाहिए एक नया होस्ट। What? मेरी डार्क एनर्जी का हमला सिर्फ स्लग्स को तब्दील नहीं करता इनटू गोल्स, वो स्लिंगर्स को मेरी मर्जी के मुताबिक बनाता है, बिल्कुल उसी तरह जो अब मेरे पास है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कैसा नहीं है? मैं गूल डॉग से बात कर रहा हूँ।
अब तुम जान गए हो तुम्हें किसके लिए काम करना है। बर्बी, इलाय कहाँ है? दम रोक। गॉड, मैं तुम्हें मारने वाली थी। क्या तुम्हें दिखे इलाया प्रॉन्टो? कुछ नजर नहीं आ रहा, मगर सुन सकता हूँ। प्रॉन्टो! माफ करना, मैं समझा तुम उन लुटेरों में से हो, क्योंकि मैं इतना गैर जिम्मेदार नहीं हूँ कि ये ब्लास्टर बगैर सोचे समझे किसी पे भी चलाऊं। ये प्रॉन्टो के उसूलों के खिलाफ है। अब हमें इलाय को ढूंढना है। वो देखो, वो रहा इलाय। वो ठीक है। वेट, ब्रो, बचाओ मुझे। मुझे इसे पूरी तरह कंट्रोल करने में थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, उधर देखो कितना डरावना है ये। गून डॉक, उसके कंट्रोल में आ गया है इलाय। हमें जरूरत है डॉक की, वो ही इस मॉन्स्टर को निकाल कर इलाय की कुछ मदद कर सकता है। बर्बी, ये देखो आम स्लग्स की तरह ये भी खतरे से भाग रहा है। नहीं, वो भाग नहीं रहा, वो डॉक के पीछे जा रहा है। बर्बी, शायद वो यहाँ नहीं है। ये जो भी जगह है, ये वो जगह है जहाँ पर हम तुम्हारे साथ कुछ खेल खेलेंगे, क्योंकि इस वक्त हम तुम्हारे दिमाग में हैं। कहाँ? मेरे दिमाग में? और बहुत जल्द वो और तुम मेरे हो जाओगे। यू पैरासाइट, तो तुम उस सिलिंगर को कंट्रोल कर रहे थे, एक पपिट की तरह। तुमने उसे हम पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया। नहीं, गलत, तुम बेवकूफ हो। मैं यहाँ इस काम के लिए नहीं, उसे बचाने के लिए आया हूँ। स्लग्स को घूल्स बनाकर और हम पे हमला करके। तमाम स्लग्स का स्लग टेरा पर पूरा हक है, और तुम ह्यूमनाइड बीस्ट्स एक ऐसा वायरस है जिसे खत्म कर देना चाहिए। अब तुम इलाय शेन बनोगे मेरे बेहतरीन होस्ट। बस एक बार तुम्हें अपना गुलाम बना दूं। गून क्या कर रहा है इलाय के साथ? क्या किसी के पास कोई आइडिया है? अब करना क्या होगा ये जानता है प्रॉन्टो। मैं इस वक्त इनविजिबल हूँ, जैसे होलो नाइट निंजा। एक्सक्यूज मी, मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते हो जो अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, और वो ये कि तुम्हारा लीडर एक स्लग है। प्रॉन्टो, क्या कर रहे हो? इसे बताना चाह रहा हूँ कि एक स्लग का नौकर बना हुआ है, ताकि ये शर्मिंदा होकर उसे छोड़ दे। ये क्या रहा हूँ? ये मैं ठीक कह रहा हूँ ना? देखा कौन दांत देनी होगी प्रॉन्टो को। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास बहुत से सवाल हैं। दरअसल मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, मैं किस तरह तुम्हें अपने दिमाग से बाहर निकाल कर फेंकूं? ये मुमकिन नहीं है। तुम ये भी जानना चाहोगे कि दीवार के जरिए मुझे क्या चीज यहाँ खींच के लाई, और तुम मुझे वो बताने वाले हो? तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम किसकी खिदमत करोगे। यहाँ तक कि उस दीवार के साथ मैंने महसूस कर लिया कि यहाँ स्लग एनर्जी को करप्ट किया जा रहा है। तुम्हारा मतलब है घूल्स? मैं जानना चाहता था मेरे अलावा और कौन है जो इन्हें बना सकता है, इसलिए थोड़ी सी फैंडेंगो स्लग एनर्जी और टेरा पोर्टल ड्रिल के जरिए
दीवार खोदकर यहाँ पहुँच गए, लेकिन ऐसा लगता है मैं गलत था। यहाँ कोई घूल्स नहीं है। तुमने देर कर दी, हमने घूल्स का इलाज कर दिया और बनाने वालों को सबक भी सिखा दिया। ना। अब मैं उसे देख रहा हूँ, थैडियस ब्लैक। उसने बेवकूफी से खुद को डार्क पेन में जोड़े रखा। तुम स्लस्टर और डीप कैवर्न्स के दरमियान एक बैरियर तोड़ दिया गया। डार्क पेन ने हमारी दुनिया में दाखिल होने की कोशिश की होगी। वो दाखिल हो गए थे मगर हमने उन्हें रोक दिया। अच्छा हुआ वो चले गए। वो गए नहीं है, ना ही ब्लैक और शायद तुम्हारे फादर भी। उनके बारे में क्या जानते हो? कहाँ है वो? मैं सिर्फ तुम्हारी सोच पढ़ रहा हूँ। ये तुम ही हो जिसने उसे अपने दिल और दिमाग में जिंदा रखा हुआ है। निकलो मेरे दिमाग से। फ्लॉपर्स। ये ठीक नहीं है। ओके, तो ये घूल और बड़ा भी हो सकता है, मगर हम बाकी घूल्स की तरह इसे भी खत्म कर देंगे। मैं जख्मी कैसे हो सकता हूँ? ये तो हकीकत भी नहीं है। क्या वाकई? मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, यहाँ जो कुछ भी होता है उसके नतायज बिल्कुल असली होते हैं। एक बार तुम झुक जाओ फिर तुम मेरे हो, और जब तुम मेरे हो जाओगे उसी तरह 99 केविन्स भी मेरे हो जाएंगे। ना। मुझे इससे कोई वास्ता नहीं कि तुम किस जगह से आए, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन है कि वहाँ भी लोग ब्रॉन्टो की बहादुरी को सुन चुके होंगे। हो सकता है ना भी सुना। फ्रेक्सी। फ्रेक्सी आ रहा हूँ मैं तुम्हें बचाने। फिकर मत करो, उन्हें तुम तक पहुँचने से पहले मुकाबला करना होगा मुझसे। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा, लेकिन यही वो बात है जिसके लिए मैं परेशान हूँ। देखो तेरा पोर्टल ड्राइवर अपनी ताकत खो रहा है। अगर उसे फैंडैंगो एनर्जी नहीं मिली तो वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जल्दी करो, उसे दूसरी तरफ से लेकर आओ। उनकी एनर्जी पोर्टल को इतनी देर तक खुला रखेगी कि तुम मेरी आर्मी को यहाँ तक ले आओ। तुमने देखा, प्रॉन्टो के होते हुए वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाए। थैंक्स मेरे दोस्त, लेकिन एक छोटा सा मसला है। ये बताओ कि वाकई तुम ये समझते हो कि मोलनाइड ने तुम्हें इतने बड़े मसले से बचाया? उसे लिटिल डूड कहोगे? बस बहुत हो गया, आज का दिन अच्छा नहीं रहा। अब तक तो नहीं, हमें उन्हें फैंडैंगोस को ले जाने से रोकना होगा, वरना खेल खत्म 99 कैवर्न्स का। Ah!
रॉकी। क्या तुम देख नहीं रहे मैं तुम्हारे दिमाग पर कब्जा कर रहा हूँ। काश अभी यहाँ बर्फी होता। नो ऑफेंस। तुम्हें बहुत परवाह है अपने इन्फर्नस की और तुम अब तक उसकी अहमियत से भी बेखबर हो। तुम गलत हो, मैं जानता हूँ बर्फी कितना खास है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि कैविन्स के हर सेट में सिर्फ एक इन्फर्नस होता है जो उन कैविन्स के प्रोटेक्टर के पास होता है। What? लेकिन डार्क स्लिंगर, उसके पास भी एक इन्फर्नस था और वो तो ईस्टर्न सल्तनत का चैंपियन था, एक बहुत ही बासलाहियत वॉरियर जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कर चुका था। उसके जरिए मैंने वो कैविन्स भी फतह किए जिन्हें वो कभी डिफेंड करता था। वो नाकाबिले शिकस्त था और उसने मेरी बहुत खिदमत की। लेकिन अब मुझे उस स्लिंगर की जरूरत है जो इन कैविन्स को जानता हो, और मैं चूज करता हूँ तुम्हें। इसको मैं नहीं छोड़ने वाला। वेट, यहाँ हर चीज ये मेरी इमेजिनेशन के पिगमेंट्स हैं, राइट? शायद मुझे अब चीजों को मुख्तलिफ तरीके से इमेजिन करने की जरूरत है। इट्स ओवर। यहाँ का मास्टर मैं हूँ। जो हुक्म मैं दूंगा वो तुम्हारा दिमाग मानेगा। बदबूदार जानवर, तुम्हारे जाने का वक्त आ गया। ओके, मेरा ख्याल है मुझे और प्यार से पूछना चाहिए था, या फिर मुझे इसके साथ कुछ ऐसा करना चाहिए था। ये नहीं करना चाहिए था। कौन? मेरे पास क्लियर शॉट नहीं है। मेरे पास है, मुझे बस अपना ब्लास्टर चाहिए। ये कैच करो। यस। थैंक्स डूड। हे, कहाँ है प्रोंटो? प्रोंटो! डूड, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो, लेकिन ये वक्त आराम का नहीं, इस पोर्टल को गार्ड करने का है, इससे पहले कि वो आर्मी बाहर आ जाए। तुम कैविन्स के आम लोग,
ये बात तो साफ है कि तुम्हें प्रांतो के कारनामे की दाद देनी होगी कि कैसे रेस्क्यू किया फैंडांगोस को। ब्रो, तुम तो हीरो हो। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई हीरो, मैं तो बस एक मोनोनाइट हूँ जिसे लोग कहते हैं प्रांतो। ये इलाय नहीं है। तुम समझते हो तुम इस तरह बच जाओगे मुझे मेरी आर्मी से अलग करके? मैं एक और बना लूंगा और अब मेरे पास मेरा स्लिंगर है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुमने ये सब करके खुद को इस हाल में फंसा लिया है मेरे साथ। मैंने हर्ट नहीं कर सकता। तुम क्यों खुद को रोक रहे हो? क्या तुम सुन नहीं रहे हो मुझे? क्या तुम ये कई बार सुन नहीं चुके हो कि तुम्हारे पास कोई होप नहीं? मैं कभी होपलेस नहीं हो सकता जब तक मेरे स्लग्स मेरे पास है। ये खत्म हो चुका है। मैं चाहता हूँ तुम ऐसा नहीं करोगे। मुझे ये करंट मत मारना ब्रो। इतना पावर, मुझ में इससे ज्यादा ताकत है, मैं महसूस कर सकता हूँ। तुम्हारे कैबिन्स कुछ ही देर में तबाह किए जा सकते हैं क्योंकि अब ये स्लिंगर मेरा गुलाम है। अब कोई इंसान, ट्रोल या मोल तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। No! नहीं चाहिए मुझे हीलर, आगे मत बढ़ना। पत्यारिक, इतनी पावर होने के बावजूद तुम समझते हो कि तुम मुझे हरा सकोगे? यहाँ क्या हो रहा है? मुझे भी कुछ अंदाजा नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि दो स्लग्स 99 कैवस की किस्मत की खातिर आपस में लड़ रहे हैं। तुम गंदे इन्फर्नस हो। मैं तुम्हें पहले गुल बना चुका हूँ और अब मैं तुम्हें फिर गुल बनाऊंगा। मेरे ख्याल से बहुत बोल लिया तुमने। नो! एक स्लिंगर के बगैर ये कुछ नहीं कर सकता। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं ढूंढूंगा एक नया स्लिंगर, बनाऊंगा और गूल्स एक आर भी बनाऊंगा मैं, इसमें चाहे जितना भी वक्त लग जाए। जानते हो बहुत से मॉन्स्टर फाइट के दौरान केविन के अंदर कहीं भाग गए। हाँ, और वो गून भी। हम उन्हें ढूंढेंगे, उन सबको, राइट डॉक? लेकिन कुछ तो अजीब है, क्योंकि उस गून से निजात पाने के बाद भी मैं अब तक उससे एक कनेक्शन महसूस कर रहा हूँ। जैसे वो जो महसूस कर रहा है मैं सुन सकता हूँ। स्लिंगर को ढूंढना है।
नए घूल्स बनाने हैं, एक नई आर्मी बनानी है। ठीक है, इसका मतलब है कुछ और काम बाकी है। या शुरू करने से पहले, लेकिन हमें इसका क्या करना है?